यहाँ पे बर्ड्स आवाज कर रहे हैं, आई थिंक यहाँ पे सांप होगा। इनका घर है इस लकड़ी के खोखले के अंदर, मुझे लगता है कि यहाँ सांप घुस गया है तो इसलिए ये आवाज कर रहे हैं। ये मॉन्टल इजट का बेबी है शायद, लेकिन इसके लिए कर रहे हैं आवाज। दोस्तों हमारी शॉप पे आए हैं हमारे सब्सक्राइबर और एक प्यारा सा फीवी, उनका नाम फीवी है। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ। योर गुड नेम सर? देवेंद्र। देवेंद्र जी, और ये इनका साथी है? हाँ, ये मेरी बेटी है तीसरी। हाँ, फीवी। फीवी दो बेटियाँ हैं गुड़गांव में, जिनका जन्मदिन है 4 अगस्त को। 4 अगस्त को, अरे वाह। और इनका दोनों जंगल को देखने, जंगल के दीवाने परवाने आए हुए हैं। अरे वाह, वो देख के लग रहा है कि कितने लवर हैं कॉर्बेट के। बहुत बढ़िया। और मैं सर को आज भेज रहा हूँ मरचूला वाटरफॉल और भोनखाल, तो एंजॉय करें और फीवी को वहाँ घुमाएं। और बंटी को स्मेल आ गया है तो बंटी भी देख रहा है। कुछ कह रहा है कोड वर्ड में अपने। वो मेल है कि फीमेल है? वो मेल है। बंटी नाइन योर फ्रेंड, ओके बाय बाय। दोस्तों शॉप पे आए हैं हमारे सब्सक्राइबर दिल्ली से। हेलो सर, कैसे हैं आप? नमस्ते। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास, बिल्कुल दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास से हैं आप। कहाँ पे स्टे कर रखा है आपने? अभी तो हमने डेन में। डेन में तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जंगल पहले के अकॉर्डिंग? जंगल तो बहुत ही बेहतरीन है। हाँ, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। मैं इससे पहले मतलब जो मेरा लास्ट वो था, मैं हिमाचल में गया था कोटी पे। अच्छा, तो वहाँ के जंगल से ये जंगल बहुत अलग है, बहुत अच्छा। थैंक यू। और सर कैसा लगता है आपके हमारे ब्लॉग्स? बहुत बढ़िया ब्लॉग्स लगते हैं, और स्पेशली वीरू भाई बहुत अच्छे हैं। थैंक यू भाई, बहुत फ्रेंड नेचर के हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। नेचर है इनका। थैंक यू। और साइट सीन कहाँ कहाँ करा सर आप लोगों ने? साइट सीन अभी हमारे को सबसे अच्छा जो अभी लेटेस्ट जो लगा है वो गिरजा टेम्पल का। गिरजा टेम्पल। अच्छा, आज तो बारिश भी हो गई, और भी सुहाना हो गया मौसम। चलिए बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट कब का प्लान रहेगा फिर कॉर्बेट का? अब जल्दी रहेगा, मैं अपने बेटे के साथ आऊंगा, अब चाहे वो 2 महीने में आऊं चाहे नेक्स्ट मंथ आऊं, अब नेक्स्ट चक्कर तो बनना ही बनना है। अच्छा मैम, अगर टाइगर आ जाए आपकी गाड़ी के आगे आप क्या करेंगे? मैं तो डर जाऊंगी। सर बता रहे थे कि मैम बहुत ज़्यादा डरती हैं, तो गाड़ी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है आपको, गाड़ी कहीं जंगल में खड़ी नहीं करनी, उतरना नहीं है, बाकी आप गाड़ी में सेफ हैं। हाथी कहीं पे देखे तो फौरन टर्न हो जाना है। चलिए सर, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। अच्छा सर, मुझे बता रहे थे कि पहले टीवी पे देखते हैं ब्लॉग, फिर कमेंट करने के लिए फिर फोन पे देखते हैं, मतलब दो बार देखते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। काफी देर हो गया सर लोगों को बैठे हुए, काफी गप्पे मारे हमने। मैं यहाँ पे सरकारें क्योंकि आती और जाती रहती हैं, क्योंकि सरकार 5 साल की होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जोन सी भी सरकार आती है, कम से कम जिस तरीके का ये सुंदरबन का इलाका है, या बहुत सारे मैंने देखे यहाँ पे बिजली की बहुत दिक्कत है, यहाँ पे रहने की भी जिस तरीके से फाइट करके हर तरफ से ये लोग रहते हैं, तो मेरी सरकारों से गुजारिश है कि इस ओर ध्यान दे ताकि कुछ यहाँ का अच्छा हो और हिंदुस्तान आगे तरक्की करे इससे। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। दोस्तों आज अमेजोन से एक पार्सल आया है जिसमें कि 14 लाइट हैं, 10 लाइटें नोवल एंड फैमिली से आई हैं जो कि मुंबई से दी हैं, और 4 लाइटें लोआना एंड फैमिली मुंबई से, और 10,000 रुपये दिए हैं मुंबई से एक आंटी हैं जो कि रिटायर्ड टीचर है, उन्होंने यहाँ के स्कूल के बच्चों के लिए 10,000 रुपये, और एक आयरिश नाम की एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची रहती है दुबई में, उन्होंने और उनकी मदर ने अलवीना जी 20,000 दिया है। वो भी मदद करने वालों को दिल से धन्यवाद, और हमारे यहाँ के बच्चों की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। सारी लाइटें मैंने चेक कर ली हैं, सारी लाइट ओके है। मैं इसलिए चेक करा कि कहीं कोई फॉल्ट ना आ जाए तो रिप्लेस के लिए फिर टाइम भी ओवर हो जाएगा,
इसलिए सारी लाइटें चेक करी, सारी लाइटें ओके। दोस्तों ये लाइटें आई थी, मैंने आपको दिखाया था अभी पार्सल में कि एक लाइट आई है जो पहले भी यहाँ पे आई थी। एक तरफ को सोलर पैनल है उसका, एक तरफ को लाइट है। तो ये दी है मुंबई से हैं लोना एंड फैमिली, उन्होंने दी हैं, और नॉल एंड फैमिली उन्होंने दी है। तो ये लाइटें मैं वितरण करता हूँ आज। ये नोवल जी ने 10 लाइटें भेजी हैं और लुआना जी ने 4 लाइटें भेजी हैं। तो ये लाइटें आज मैं वितरण करने जा रहा हूँ। एक लाइट इनको दे रहा हूँ, ये घर पे है नहीं अभी, पर इनके बच्चे आ गए हैं उधर से दौड़ते हुए आ रहे हैं। तो एक लाइट इनको देते हैं, बच्चे आ गए हैं यहाँ पे। हेलो बच्चों, सबसे पहले तो ये लाइट आ रखी है तुम्हारे लिए, इसको पापा से एक लकड़ी पर फिक्स करवा देना, ठीक है? जैसे अनसुन ने करवा रखा ना वैसे। ये अभी चार्ज नहीं है, आज इसको जलाना मत, कल धूप आ जाएगी ना सारे दिन इसको चार्ज करके तब इसको चलाना, नहीं तो इसकी बैटरी ना अगर आज जलाओगे तो डंप हो जाएगी, ठीक है? हाँ, वो जब वो टाइगर अटैक हो रहे थे उस टाइम पे गाय मारी थी, कहाँ पे मारी थी? वो यहाँ पे मारी थी, ये बाढ़ पे, ये बाढ़ के थोड़ा बाहर से हम लोग उस टाइम मतलब खाना ना खा के हम उसी टाइम बाहर आ रहे थे उस टाइम। हाँ, तो वो वहाँ पे गाय के ऊपर बैठ रखा था उस टाइम। अच्छा, देखा तुम लोगों ने? हाँ, हमने देखा था इतना उसको, हम लगा था, पापा कह रहे थे कि वो गाय से मम्मी ने कहा वहाँ पर जा, अभी मम्मी ने टॉर्च जला के, पापा ने टॉर्च जला के देखा तो वहाँ पे टाइगर बैठा था उसके सामने। अच्छा, तब आजकल तो नहीं आ रहा? नहीं आजकल नहीं आ रहा, कल यहाँ पे एक जख्मी वो आया था क्या? सूरज। अच्छा, हाँ, कहीं उसको मतलब पूरा टाइगर ने वो कर रखा था। अच्छा, पूरा उसके मतलब बदन के इतने निशान कर रखे थे। अच्छा चलो, एक घर है ये, एक यहाँ देते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, अमन। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेवन्थ में पढ़ते हैं ये। कौन है घर पे? मम्मी पापा। तो भैया कह रहे थे पिछली बार कि अगर लाइट आएंगे तो घर के आंगन में लगाना है, घर के पीछे की तरफ। उस दिन वो टाइगर आ गया था, तो ये लाइट आ रखी है, लाइट लगाओ। अभी थोड़ा यहाँ यूज में ले लो उसको। भाभी जी गाय का दूध निकाल रहे हैं बैठ के, और हम अंदर इसलिए नहीं जा रहे हैं कि गाय बितक ना जाए, भाभी को कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए। चलो, इस पे ये रिमोट से कुछ नहीं करना है। क्या हाल चाल है? अम्मा, ओ मजी, ये लाइट आ रखी है आपके लिए। उस दिन कह के गया था ना कि लाइट आने वाली है, तो आपको दूंगा करके। कौन समझेगा? ये यहाँ से ऑन करना है, ठीक है? और इसको कहीं पे ऐसे खंबे पे ऐसे गाड़ देना है इसको बाहर कहीं से, ताकि इसके ऊपर धूप भी लगे और नीचे से इसमें लाइट भी जले, ठीक है? भूजिए क्या कर रहे हो? ये धुआं, धुआं मच्छर के लिए। हाँ। अच्छा, ये लाइट आ रही ना, इसको ऐसे जगह ऐसे करके लगाना है इसको ऐसे। हाँ। ताकि उधर से धूप आती है, इधर धूप भी पड़े इसमें पैनल में। हाँ। और यहाँ से लाइट, और इस लाइट को जब लगाओगे, अभी तो डाउन है लाल लाइट दे रही नहीं। हाँ। तो इसको आज यूज मत करना, कल पहले थोड़ी देर धूप में रख लेना। हाँ। उसको ऐसे खंभे में ऐसे गाड़ देना और ऑन करके ही इसको लगाना ऊपर, अभी बंद है नहीं। हाँ। तो जब ऊपर लगाओगे तो एक बार इसको बटन पर से दबा देना, और या तो एक बार ऐसे अंदर ले जाना घर के अंदर। हाँ। अंधेरे में इसको ऑन करना, बाहर आके बुझ जाएगा दिन में। हाँ। अंदर जब जल जाएगा तो ऐसे आपको बाहर लाना है और लगा देना है, ठीक है? अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत आती तो मुझे बुला लेना, मैं आके बता दूंगा तुम्हें। लो दोस्तों, अभी शॉप पे आए थे अमित जी दिल्ली से, तो उन्होंने ये कुछ अमाउंट दिया है कि ये उन लोगों को देना जिनको अभी बरसात में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे
बूबू जी हैं, ये तो सिर्फ अपने पेंशन पे ही डिपेंड है। और ये थोड़ा बूबू जी ये हैं 1110 रुपये, ये अभी शॉप पे आए थे हमारे वीडियो देखते हैं, ये उन्होंने दिए हैं। ठीक है, चलिए बताए कहाँ हूँ। मैं छोटा भीम मैगी पॉइंट बीरू। मैं आरो झोंका आ रहा हूँ घर पे। अरे ओ लाइट लाइट देने से ना लाइट 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 आओ जल्दी आओ। ये हमारे ताई जी हैं और इनका घर है। ये कई बार हाथी ने यहाँ पे इनका बाल वगैरह तोड़ के घर के आसपास पहुँच जाता है, तो इन्होंने बहुत बार बोला था कि एक गेट के सामने मुझे एक लाइट चाहिए, तो कहीं से व्यवस्था करवा दो। तो ये लाइट आई हैं, तो एक लाइट ताई जी को भी दे देंगे। ताई जी भी अकेले रहती हैं यहाँ पर। आ गई हैं ताई जी। दोस्तों ये ताई हमारी यहाँ पे अकेले रहती हैं, तो कई बार हाथी ने नुकसान करा है, वो मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है। तो ताई ने बोला था कि कहीं से अगर कोई लाइट आए तो मुझे भी देना करके। तो ये लाइटें आई हैं मुंबई से। लो डिब्बा आप रख लो, लाइट में ले जा। ठीक है फिर ले जा फिर। देखो ताई, ये है यहाँ इसका सोलर पैनल है, यहाँ इसकी लाइट है, और आप इसको एक खम्भा लगा के इस पर, और ये वाला एरिया धूप की तरफ रहने की, मतलब ऐसा जैसे धूप यहाँ से आती है ना, तो ये ऐसे रहेगा। और जब इसको लगाओगे पहले इस लाइट को लेके जाना अंदर, और अंदर जाके ये हरा वाला बटन ऐसे दबाना है। ना ना ये को लगा मत लगा ना। चलो मैं ही लगा दूंगा। ठीक है, ये बाहर आके ये बंद हो जाएगा दिन में, रात में तो जलेगा। और अच्छा, इस लाइट में एक चीज़ और भी है, कहीं आप बोलोगे कि लाइट खराब तो नहीं होगी, इसकी लाइट थोड़ी देर में ऐसे डल होगी, फिर अपने आप 5-10 सेकंड में फिर तेज हो जाएगी, फिर वो 2-1 मिनट रहेगा फिर वो डल हो जाएगी। वो इसलिए करता है कि बैटरी ज़्यादा देर चले। ठीक है, इतनी रोशनी है। ठीक है, धन्यवाद देने वालों को, धन्यवाद तेरे लिए भी धन्यवाद। ये आइटम मेरे को मिलते रहे, तू इसका कोशिश करते रहे, हम खुद से बोल नहीं सकती फिर। और दोस्तों एक लाइट दी है हमने दीपू भाई को, और दीपू भाई मेरे साथ कई बार मदद करते रहते हैं दौड़ा भागी। और एक लाइट पहले दी थी, वो अब बैकअप दे नहीं पाता है, तो इसलिए एक लाइट दी है, धन्यवाद। तो मैं उनको धन्यवाद करने जाता हूँ जिन लोगों ने हमारे लिए ये लाइट भेजी है। थैंक यू धन्यवाद उनका जिनने हमारे बारे में इतना सोचा। जी जी। और बाकी तो हमारे यहाँ पे लाइट पानी है नहीं, अगर कोई बंदा हमारे लिए इतना सोचता तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्तों अभी जो लाइटें आई हैं, लाइटें वितरण करने में दीपू भाई अभी कल भी मेरे साथ, हो सकता है कि नीचे वाले गाँव में देने जाएंगे साथ में। ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद। अरे बाबा अपना सिल्वर बॉडी मत दिखा रहे, कहाँ है पापा, ठीक ठाक। एक ये लाइट आ रखी है आपके लिए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया उनका जिन्होंने भेजा है। अच्छा, क्या नाम उनका? थैंक यू लवाना जी और नेवल जी, वीडियो बना रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा अंधेरे में जिंदगी काट रहे थे, आजकल तो बरसात है, उसे भी बाहर आने के लिए बहुत ही डर लग रहा था, और आपने एक एक उजाला भेजा हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों जो आपका चहिता हिमांशु है, हिमांशु के पापा हैं। सिर्फ फिक्स कर रहे हैं जैसे हम सुन के घर पर लगा हुआ ना, ऐसी है, दबाओ बटन, दबाओ इसका हरे वाला। धन्यवाद। है डिशू, और ये उसी स्कूल में पढ़ती है जहाँ वो फेंसिंग लगनी है। तो आज मैंने वीडियो भी बनाई थी किस तरीके से तीनों क्लास के बच्चे क्लास ले रहे थे, तो आज लोकेशन पूरा देख के आया, अच्छे से उसका मेजरमेंट करके आया कि कैसे कैसे लगना है। और क्या क्या ज़रूरतें होती हैं तुम लोगों को वहाँ पे? बैठने की व्यवस्था है, चटाई वगैरह है तुम्हारे पास? और पानी कहाँ से पीते हो? नल से। कहाँ पे?
हमारे स्कूल के बगल में, जो बगल में जो घर है वहाँ से। अच्छा, और आने जाने में वो रास्ता जो हो रहा है पानी वाला, वहाँ से कैसे जाते हो? पानी तैर के। अच्छा, कितने कितना पानी है वहाँ पे? कितना पानी है वहाँ पे? यहाँ तक। अच्छा, जब बारिश ज़्यादा होती है तो बढ़ जाता होगा फिर। अच्छा, कौन सी क्लास में थे अभी? सेवन्थ में। एक साल और है वहाँ पे। चलो ठीक दोस्तों, अब हो गया अंधेरा और बारिश भी आ गई है बहुत तेज। अब निकल रहे हैं घर के लिए। दीपू भाई को भी अंधेरा हो गया, डर तो लगी, छोड़ना तो नहीं पड़ेगा? नहीं यार, क्या करें, सुंदर खाल में ऐसे ही रहना पड़ता है अंधेरे में तो डर भी लगता ही है, क्या करें। पर क्या करें, मजबूरी है, जाना पड़ेगा। बारिश हो रही है, पानी इतना हो रहा है कि रास्ता इतना खराब रहा, हम कई बार स्लिप हो जा रहे हैं। बारिश तेज हो गई भाई, जल्दी जल्दी चलो। पर उन लोगों ने हमारी इतनी मदद की है, थोड़ी सी हमने मदद कर दें, कोई बात नहीं। ये दोस्तों एक लाइट यहाँ पे लगी हुई है जो पहले आई थी, और ऐसे घर के बाहर जब लाइट लगी होती है तो अंदर से बाहर आने में इजीली आ सकते हैं। दोस्तों ये देखिए, टाइगर अभी अभी जस्ट आया है और ये हिरन अभी यहाँ पे आ गए हैं, और अभी हमने शॉप भी क्लोज नहीं कर रखी है। ये देखिए, और दो तीन हिरन यहाँ पे आ गए हैं। ये क्या भाई, ये भी हिरन है। चलो अंदर आओ, 7:30 का टाइम हो रहा है अभी। गेट बंद कर दे भाई, गेट बंद कर दो। इतना भी थोड़ा होता है, अरे टाइम तो हो गया ना, तो मेरे को बाहर जाना है। तो तू जा, गेट आउट। जा घर को, भागने की नौबत आए तो आवाज़ मार देना, जल्दी खोल। दोस्तों कॉलिंग अभी शुरू है, जिधर को प्लांट लगा हुआ है पुल वालों का, उस एरिया में कॉलिंग हो रही है। ये ऐसे भगदड़ मशीन में दोस्तों, अभी प्लांट में जो भैया रहते हैं कन्हैया भाई, उनका फ़ोन आया था मेरे पास अभी, बोले कि यार यहाँ कई सारे हिरन आ गए हैं और हाँ हाँ की आवाज़ भी हुई थी 4-5 बार। तो मैंने उनको बोला कि घबराओ मत, आप टीन वगैरह कुछ बजाओ तो प्लांट से बाहर निकल जाएगा। तो वो अभी टीन बजा रहे हैं। अरे वो शून आगे जान भतेर ओदी मगो, वो तू भाग ना का भाग। तब तो पजामा टी ना, वो हाँ हाँ हरा बोले थे, वो आ रही ना कन्हैया फोन, कहते वीरू भाई यार यहाँ बाघ आ गया और डर लग रहा है। मैंने कहा टीन बजा चला जाएगा बाहर, फिर